Hello class, this is Miss Bobita. Welcome back to our online EVS class. On this class, we will focus the rest part of the chapter, Eat Well to be Healthy. So, Eat Well to be Healthy में हम लोगों ने 5 types of nutrients पढ़ चुके थे और जो vitamins जो 4 types of होता है वो भी हो गया था and deficiency disease about vitamins भी हो गया था. आज देखेंगे cooking for health. सो हेल्थ के लिए आप लोग हेल्दी रहने के लिए कैसे कुकिंग करना चाहिए ये सब हम लोगों को आज पढ़ना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी कुक मोस्ट ऑफ व्हाट वी ईट. इट मेक्स फूड टेस्ट बेटर. इट आल्सो मेक्स इट इजियर फॉर अस टू डाइजेस्ट फूड एंड किल्स द जर्म्स इन द फूड. सो हम लोग जो फूड जो होता है हम लोग क्या करते हैं, हर रोज़ कुक करके ही खाते हैं. कुक क्यों करते हैं, ऐसे कच्चा वाला खाने से नहीं होता क्या? ऐसे जो अदर एनिमल्स जो क्या होते हैं वो तो कच्चे ही खा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कुक करके क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि अगर हम लोग कुक करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फूड का टेस्ट अच्छा लगता है और क्या होता है, डाइजेस्ट होने के लिए भी वो ईजी हो जाता है. और थर्ड में क्या होता है, जब हम लोग फूड को कुक कर लेते हैं, फूड में जो होता है जम्स जो होता है, कच्चे में जितना जम्स होता है, कुक होने से हीट होने के कारण वो जम्स मर भी जाते हैं. सो कुकिंग करके खाने के लिए खाने से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है. बट सम वेज ऑफ कुकिंग आर बैड फॉर हेल्थ. फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग बर्न्स ऑफ सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. तो हम लोग जो कुकिंग करते हैं, कुछ कुकिंग का मेथड जो होता है वो क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. कि जैसे कि हम लोग जो फ्राइड वाला फूड खाते हैं, फ्राइंग करके खाते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ओवर कुक जो कर लेते हैं और जला जो लेते हैं, वो वाला फूड हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. वार्मिंग फूड ओवर एंड ओवर अगेन आल्सो स्पॉइल न्यूट्रिएंट्स. जो हम लोग फूड खाते हैं बार बार गर्म करके जो खाते हैं, कुछ समय जाने के बाद फिर से गर्म करते हैं, तो ओवर वार्मिंग करने से भी क्या होता है, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ख़त्म हो जाता है हीट के कारण. फ्राइंग इज बैड इन अनदर वे टू. फ्राइड एंड ऑयली फूड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. और जो हम लोग फ्राइंग करके खाते हैं, फ्राइड फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होने के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि जो ऑयल होता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. और हम लोग फ्राइंग फूड ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो फ्राइड एंड ऑयली फूड मेक्स अस फैट बना देगा हम लोगों को. ओके सो फूड को जो कुकिंग करने के टाइम हम लोगों को ये सब का ध्यान रखना चाहिए. तो देखो यहाँ पर एक टेबल आप लोगों के लिए दिया गया है. हियर इज़ अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू हैव लंच. हम लोगों ने जो ये चैप्टर में पढ़े उसके बारे में एक टेबल में ओवरऑल दे दिया गया है. देखो क्या है टेबल में, न्यूट्रिएंट्स व्हाट इट डज, फूड इट इज़ इन, डेफिशिएंसी डिजीज. न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया गया है, वो न्यूट्रिएंट्स खाने से क्या होता है वो दिया गया है, कौन सा फूड में वो न्यूट्रिएंट है वो भी दे दिया गया है, और वो न्यूट्रिएंट के अभाव में कौन सा डिजीज होता है वो भी दे दिया गया है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, गिव्स एनर्जी. कौन कौन सा फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, सीरियल्स, पटाटोस, शुगर, स्वीट थिंग्स, फ्रूट, ये सब में होता है कार्बोहाइड्रेट. और उसका डेफिशिएंसी में क्या होता है, फैट एंड प्रोटीन मेक्स चिल्ड्रन बॉनी विथ लूज स्किन. लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन मेक चिल्ड्रन बॉनी विथ लूज स्किन. अगर कार्बोहाइड्रेट का लैक होता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बॉनी हो जाते हैं, उनका हड्डी दिखाई नहीं देने लग जाता है और अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पाते हैं. सो ये सब था तुम्हारा ओवरऑल दे दिया गया है, फैट से, प्रोटीन से और विटामिन का, आयरन का, आयोडीन का सब दे दिया गया है. ये टेबल का आप लोगों को एक ड्राइंग शीट में करना है, ये सारे चीज़ आप लोगों को याद भी रखना है ड्राइंग शीट में, स्केच पेन के यूज करके आप लोग कर सकते हो. ओके सो हियर बीइंग टुडेज़ क्लास एंड दिस चैप्टर इज़ आल्सो ओवर. थैंक यू.